नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। बिहार में संजय झा व राधा मोहन शर्मा निर्विरोध विधान परिषद सदस्य निर्वाचित किए गए। बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार राज्य योजना परिषद के सदस्य संजय झा और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राधा मोहन शर्मा शुक्रवार को निर्विरोध बिहार विधान परिषद के सदस्य चुन लिए गए। पार्टी ने इन्हें सोमवार को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। मंगलवार को नामांकन के अंतिम दिन दोनों ने पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश की। 29 मई को नामांकन की जांच हुई और फिर 31 मई तक नाम वापस लिए जाने की तिथि निर्धारित थी। इसी दिन दोनों को विधान परिषद के लिए चुने जाने की विधिवत रूप से घोषणा हुई। इन दोनों सीटों के लिए 7 जून को चुनाव होना था। विधान परिषद की रिक्त हुई 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में शुक्रवार को नाम वापसी का समय समाप्त होते ही निर्वाचन अधिकारी और विधानसभा के सचिव बटेश्वर नाथ पांडे ने दोनों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया और जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया। बिहार में 2 सदस्यों के निधन से रिक्त सीटों पर हुए उपचुनाव में बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 2 सीटों पर जेडीयू कोटे से संजय झा और बीजेपी कोटे से राधा मोहन शर्मा को शुक्रवार को निर्विरोध चुन लिया गया। संजय झा दूसरी बार जबकि राधा मोहन शर्मा पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं। संजय झा का कार्यकाल 6 मई 2024 तक जबकि श्री शर्मा का कार्यकाल 6 मई 2020 तक होगा। दोनों नेताओं को निर्विरोध चुन लिए जाने के बाद प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। बड़ी संख्या में दोनों दलों के नेता मौजूद रहे। निर्वाचित होने के बाद बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थकों ने दोनों को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और बधाई दी। तो ये दो लोग लोकसभा चुनाव के बाद निर्विरोध विधान परिषद के लिए चुने गए। बिहार में 2 सीटों पर NDA के ये 2 प्रत्याशी चुनकर आए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।